और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 72 घंटे में 3 आतंकी हमले हुए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमले के 72 घंटे के अंदर कठुआ और डोडा में आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। साथ ही 2 आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ ही डोडा में आतंकियों ने भारतीय सेना के ऑपरेटिंग बेस पर भी हमला किया है। हमलों में आपको बता दें, सेना के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 3 दिनों में लगातार घाटी में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ। इसके अलावा आपको बता दें कि कठुआ में भी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है, यहां पर एक आतंकी को ढेर किया गया है। तो वहीं डोडा में भी सेना के बेस को निशाना बनाया गया है, यहां पर आतंकियों की तलाश की जा रही है। तो कठुआ में हुए आतंकी हमले में बड़ा अपडेट सामने आया है। कठुआ में बीती रात सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया है। हालांकि इसके बाद आतंकियों ने रात करीब 3 बजे सर्च ऑपरेशन में लगी पुलिस की गाड़ी पर भी हमला किया है। आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर 3 फायर किए हैं। वहीं मारे गए आतंकी से हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक आतंकी किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकियों की तलाश के लिए यहां पर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया है। जानकारी मिल पा रही है कि मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर किया गया है और आतंकियों की तलाश के लिए यहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर घाटी में एक बार फिर से तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और कठुआ से समीर भट्ट हमारे सहयोगी मासा जुड़ रहे हैं। समीर, फिलहाल क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं, जो सर्च ऑपरेशन है वो अपने चरम सीमा पे है। यहाँ पे ADGP जो यहाँ पे पहुँचे थे आनंद जैन, उसके बाद लगातार यहाँ पे जो CRPF है, पुलिस है, आर्मी है, उनकी डिप्लॉयमेंट बहुत। इस पूरे एरिया को आपको दिखेगा कि जो आगे इजाजत दी जा रही है, ये यहाँ पे जो खेती का ग्रिड है उसका मजबूत कर दिया गया है। और जी समीर, तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज जो है अब तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। क्योंकि कठुआ में जो आतंकी हमला हुआ है, इसमें ये सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। और समीर का एक बार फिर से हम रुक करेंगे। समीर जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? और देखिए, मैंने इसे यही कहा कि जो एक आतंकवादी जो बचा आतंकवादी है, एक बार फिर से समीर का रुख हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जानकारी ये मिल पा रही है कि एक आतंकी को मार गिराया गया है, दूसरे आतंकी की तलाश लगातार जारी है। जानकारी यही मिल पा रही है कि आतंकी हमले के बाद आतंकियों ने देर रात करीब 3 बजे सर्च ऑपरेशन में लगी पुलिस की गाड़ी पर भी हमला किया है और आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर 3 फायर किए हैं। जानकारी मिल पा रही है कि मारे गए जो आतंकी है उससे हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है, लेकिन एक आतंकी यहां पर भागने में कामयाब रहा है। हालांकि उसकी तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन आतंकियों ने जो पुलिस की गाड़ी जो पेट्रोलिंग कर रही थी उस पर फायरिंग की है। 3 राउंड फायरिंग यहां पर की गई है। अब जानकारी मिल पा रही है कि पुलिस और आतंकियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई उसमें एक आतंकी मारा गया है। समीर का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। समीर, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या किसी आतंकवादी संगठन की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है? दूसरे आतंकी की कोई पहचान हो पाई है?
नहीं बिल्कुल, अभी जो दूसरे आतंकवादी को उसको मार गिराने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि उसने रात को जो फायरिंग की थी उसके बाद उसने अपनी लोकेशन चेंज कर दी है और ताबड़तोड़ उन्होंने फायरिंग भी की। हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं उन पर भी फायरिंग की, एक सीआरपी जवान बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, आज जो ADGP आनंद जैन जब से आए हैं यहाँ पर आज सुबह, उसके बाद इस ऑपरेशन में और तेज़ी लाई गई है और एक ज्वाइंट ऑपरेशन इस पूरे इलाके में, जो पीछे आपको दिख रहा है, इस पूरे इलाके में जो इसको घेराबंदी करके चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, मकानों की तलाशी ली जा रही है, जंगली इलाकों को छाना जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो आतंकवादी जो बच निकलने में कामयाब हुआ है, इसी एरिया में कहीं छुपा है, ट्रैप है, लेकिन उसको लोकेट किया जा रहा है और ड्रोन की मदद ली जा रही है। सुबह से हमने देखा कि ड्रोन की ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पर देखी गई है और ड्रोन के जरिए अब इस उनकी उसकी लोकेशन को पॉइंट आउट करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। ये आतंकवादी यहाँ पे जो कल आतंकवादी मारा गया है उससे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है और ये जो दूसरा आतंकवादी है ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये पाकिस्तानी है, क्योंकि दोनों लगता है कि फ्रेशली इन्फिल्ट्रेट किए हुए हैं। जिस तरह से कल आनंद जैन ने भी जो ADGP है उन्होंने ये कहा कि ये दोनों आतंकवादी जो हैं ये एक यहाँ पे कुछ ही दिनों पहले इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है इस हीरानगर सेक्टर में, और क्योंकि इनका मनसूबा हो सकता है कुछ और भी हो, ये कुछ यहाँ पे अपने मनसूबे लेकर आए थे, अपने नेफेरियस डिज़ाइन लेकर आए थे, लेकिन जो जो यहाँ के लोग हैं उनकी बिल्कुल आपका हम रुक करेंगे समीर, लेकिन देखिए कि किस तरीके से बड़े स्तर पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ये कठुआ की तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देर रात किस तरीके से पुलिस वैन पर जो है एक बार फिर से यहाँ पर आतंकियों की तरफ से हमला किया गया है, लेकिन घाटी में तनाव की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के डोडा में भी सेना के ऑपरेटिंग बेस पर हुए हमले में 5 जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक डोडा के चतरगला में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच रात में मुठभेड़ हुई है। सेना के 5 जवान और पुलिस के अधिकारी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए SDH भद्रवाह में शिफ्ट भी किया गया है। तो आतंकी हमले में जानकारी मिल पा रही है कि 5 जवान घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक और आतंकवादी हमला हुआ है, आतंकियों ने सेना के ऑपरेटिंग बेस को निशाना बनाया है। और जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए आतंकी हमले में पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले में शामिल आतंकियों का स्केच भी जारी किया है और आतंकियों की जानकारी देने वालों को 20 लाख के इनाम की घोषणा भी की गई है, जिसके लिए पुलिस ने फोन नंबर भी जारी किया है। रियासी में बस पर हुए हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन अब जो है जिस आतंकियों ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया उनके स्केच जारी कर दिए गए हैं। 20 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है ताकि इनकी तलाश जो है वो जल्द से जल्द हो सके। हालांकि देखिए बड़े लेवल पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन सबसे ताजा अपडेट यही है उन आतंकियों की, अब स्केच जो है वो जारी कर दिए गए हैं और कोई भी अगर खबर इन आतंकियों के बारे में देता है, जानकारी देता है, उसे 20 लाख के इनाम की भी घोषणा की गई है। और समीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, जिस तरीके से यहाँ पर रियासी में हमला हुआ, डोडा में, कठुआ में, लगातार 3 दिनों से हम देख पा रहे हैं कि घाटी में किस तरीके से एक साजिश के तहत जो है तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब रियासी से ताजा अपडेट निकल कर आ रहा है, जो आतंकी हैं उनके स्केच भी जारी किए गए हैं और आगे किस तरीके से बढ़ा जा रहा है और जांच का दायरा किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, इसको बड़े पैमाने पर लिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक बड़े ही सीरियसली अंदाज में लिया है और सिक्योरिटी एजेंसीज को डायरेक्शन आई है कि जल्द से जल्द जिन कायर आतंकवादियों ने रियासी की घटना को अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। और इसीलिए चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, CRPF हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, NIA हो, सभी इस चीज़ में लगे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज को हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों तक पहुँचाया जाए जिन्होंने ये कायराना हरकत की है, क्योंकि जो ये तीर्थ यात्रियों पे अटैक है ये सिर्फ 10 लोगों की बात नहीं है लेकिन एक सिस्टम को, एक इकोनॉमी को यहाँ हिट करने की कोशिश की गई है। देखिए, जम्मू संभाग में ज्यादा जो इकोनॉमी है वो तीर्थ यात्रियों पे है, यहाँ पे जो वैष्णो देवी यात्रा, माता वैष्णो देवी लोग आते हैं।
बिल्कुल, तो देखिए समीर का हम रुक करने की कोशिश करेंगे लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें, अब आतंकी के स्केच जारी कर लिए गए हैं, 20 लाख के नाम की घोषणा कर दी गई है। लेकिन जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए आतंकी हमले की जांच NIA की टीम कर रही है। अब तक 70 से ज्यादा लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई है। जांच में पर्दाफाश हुआ है कि आतंकी हमले के लिए जंगल के रास्ते ये आतंकी आए थे। रियासी आतंकी हमले में बस ड्राइवर समेत 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 41 से ज्यादा लोग इस पूरे मामले में घायल हो चुके हैं। लेकिन अब आपको बता दें NIA की टीम लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि NIA की टीम जो है वो जांच करने पहुंची है, लगातार जांच का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तक 70 से ज्यादा लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ हो चुकी है और आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को निशाना बनाने की नियत से ये बड़ा आतंकी हमला किया गया है। सूत्रों के मुताबिक POK में 3 महीने पहले हमले की साजिश रची गई थी और जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव पर भी है। ISI की ये नजर जो है वो विधानसभा चुनावों पर भी है क्योंकि कुछ दिनों में यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने घाटी में। और खुफिया एजेंसियों का ये मानना है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में और खास तौर पर जम्मू में इसी तरीके के आतंकी हमले की योजना बनाई गई है। और सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन विधानसभा चुनावों के साथ साथ अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बना सकते हैं। और समीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, कई बड़े खुलासे यहाँ पर आ रहे हैं और जो नापाक साजिश जो रची गई है, विधानसभा चुनावों को निशाना बनाया जाना था, अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया जाना था। हाँ, मैं उससे पहले आपकी बात को करूंगा, लेकिन चौधरी लाल सिंह जिन्होंने जितेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उन मेरे साथ इस वक्त है, उनसे थोड़ी सी बात करूंगा। लाल सिंह जी, आप यहाँ पे आए, कल ये घटना हुई, क्या कहेंगे? उस चोरी पोस्ट में तो 6-7 साल से ही शुरू हो गया है, तो यहाँ से 15-20 दिन पूरे हो गए हैं। जिस दिन से आप बोपनारा में चले जाओ, यहाँ गए थे लोरपनारा में, यहाँ वो संगठ में अटैक हुआ था, ये BDC का जवान मारा था, ये सारे लोग उस दिन से ही ये सिलसिला शुरू हुआ है। वही सारे लोग इकट्ठे आए हुए हैं, कहीं से आए हैं, कैसे आए हैं, प्लान किया हुआ है, कोई इधर से निकल रहा है, कोई जैसे ऐसे एकदम जैसे बाहर आ जाती है ना, इस तरीके का माहौल बना हुआ है। लोग घबराए हैं, परेशानी है, अनफॉर्चुनेट है, और ये अनफॉर्चुनेट है ये मैं आप तो गर्दन काट दी गई, तो ये गर्दन ही। तो बड़ी खबर आपको बता दें, POK में 3 महीने पहले ये साजिश जो है वो रची गई थी, अमरनाथ यात्रा में खलल पहुंचाने की कोशिश उसकी साजिश रची गई थी। इसके अलावा क्योंकि आने वाले दिनों में घाटी में चुनाव होने हैं और चुनावों में खलल डालने के लिए, दहशत फैलाने के लिए इस तरीके से ये पूरी साजिश जो है आतंकियों की तरफ से बनाई गई थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, डोडा में सेना पर हुए हमले की कश्मीर टाइगर्स ने जिम्मेदारी ले ली है। कश्मीर टाइगर्स ने लश्कर और जैश दोनों के आतंकी हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें। कश्मीर टाइगर्स ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले ली है। डोडा में जो आतंकी हमला हुआ है उससे जुड़ा ये सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें। जिस तरीके से डोडा में ये आतंकी हमला हुआ है, अब कश्मीर टाइगर्स ने इस पूरे आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले ली है। आपको बता दें कश्मीर टाइगर्स में लश्कर और जैश दोनों के आतंकी होते हैं। तो देखिए कि किस तरीके से घाटी में तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। 3 दिनों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार आतंकियों की तरफ से पहले तो श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाया गया, फिर कठुआ में आतंकी हमला किया गया है जिसमें मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है, तो वही डोडा में भी आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जानकारी यही मिल पा रही है कि कश्मीर टाइगर्स ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। कश्मीर टाइगर्स में लश्कर और जैश दोनों के आतंकी होते हैं।
अब देखिए एनआईए लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, 70 से ज्यादा लोगों से बातचीत की जा चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार घाटी में तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उसके बाद जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।